तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने के लिए, और आई कैन बेट कि 90% 90s किड्स के दिमाग में एक लिमिटेड एज तक मेले के नाम से बस एक ही चीज़ आता होगा। बट जब थोड़े से बड़े हुए हम लोग तो पता चला कि हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं वहाँ पे दो मेले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पहला मेला है कल्पतरु मेला, जो कि ईयर के स्टार्टिंग में आता है, जनवरी के 1 से 10 के बीच में। और जो दूसरा मेला है उसी मेले के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और वहीं पे घूमने जाएंगे। जी हाँ, ये दूसरा जो मेला है ये आता है जगन्नाथ जी के आगमन के साथ ही, जिसको हम रथ मेला बोलते हैं। पहले तो ये मेला बस एक ही जगह पे हुआ करता था, एक्चुअली दो जगह पे। पहला प्लेस है हमारे घर के बिल्कुल सामने ममड़ा बाज़ार, और दूसरा प्लेस है चित्रालय। और अभी नया नया एक और मेला चालू हुआ है जो हाल फिलहाल 2-3 साल से ही चल रहा होगा, आई गेस दैट्स इस्कॉन का मेला। एंड इस्कॉन वाला मेला इज़ माई पर्सनल फेवरेट, और बाकी सारे जगह तो हैं ही। तो चलो सबसे पहले अभी तो चित्रालय का मेला हम लोग जाएंगे, उसके बाद मामड़ा बाज़ार दिखाएंगे, एंड लास्टली आपको इस्कॉन का मेला दिखाएंगे कि वहाँ पे कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलो अभी तो मेले में ही डायरेक्ट आपसे बात करते हैं। और यहाँ पे हमने बाइक को पार्क कर दिया है, पार्क करने के बाद मेले के अंदर जाएंगे और वहाँ पे डायरेक्ट सिनेमैटिक से आपका स्वागत करेंगे। तो चलो आप सिनेमैटिक्स को एंजॉय करते रहना, और बात आपसे मैं बाद में करता हूँ। तो चलो अभी तक तो मैंने आपको मेला मतलब घुमा ही लिया है जितना घुमाने का था। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हम वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब अभी हम आपको रथ दिखाएंगे। ये रहा जगन्नाथ जी का रथ, इन्हीं के लिए सब कुछ है, मतलब पूरा जो फेस्टिवल है। और सामने एक पंडाल एरिया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जहाँ पर अभी प्रोग्राम वगैरह हो रहा है। ये रहा वो स्टेज, यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब 10 दिन अगर मेला चलेगा तो 10 दिन कोई ना कोई प्रोग्राम वगैरह होता ही रहेगा। वो साइड में जगन्नाथ जी हैं, तो वहाँ पे ले जाके मैं आपको उनके दर्शन भी करा देता हूँ। ये रहे जगन्नाथ जी, और मेरा हाइट छोटा होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से तो कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। तो चलो अब दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं मेले से बाहर। तो हमारे दूसरे दिन की शुरुआत होती है मामड़ा बाज़ार के मेले से, और ये हमारे घर से बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। अभी तो पहले जितना उतना भीड़ होता है नहीं, देख के ही पता चल रहा है। अदरवाइज़ पहले तो ये लगता था कि यहीं पे हम लोग आके खो जाएंगे, और पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया, ये मतलब मेला वेला ये सब चीज़ों से लगाव बहुत ज़्यादा उठ चुका है उनका। और ये रहा यहाँ का रथ, सामने ये जो पंडाल दिख रहा है यहाँ पे जगन्नाथ जी हैं, तो पहले उनके दर्शन आपको करा देते हैं और बाद में मंदिर दिखाने ले जाएंगे आपको हम। अब पंडाल से निकल के जस्ट सामने जो गेट आपको दिख रहा था पहले, ये वाला है जगन्नाथ मंदिर हमारे यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई। मतलब मैं और मेरे साथ घूमने वाला हर एक लड़का यहीं पर शाम को आकर टाइम बिता देते हैं, और अभी तो सजा है तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मतलब आई कांट एक्सप्रेस यू कि कैसा लग रहा है अभी देखने में। बट अभी कैमरे में तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसा खूबसूरती है यहाँ का। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे वीडियो को क्लोज करके आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस्कॉन के मेले के रास्ते। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इस्कॉन के मेले में, जो कि है अकबर रोड में। और यहाँ पे आते ही आपको पता है कि आपको देखने को क्या मिलेगा। प्रेजेंटिंग माई स्टाइल ऑफ व्लॉगिंग,
आप लोगों के लिए इस्कॉन का मेला थ्रू माई लेंस 4K 60 FPS। तो इस्कॉन का दर्शन हमने कर लिया और मेला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे आके भाई मेंटल एक पीस भी मिलता है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा यहाँ पे आके। इट्स माय पर्सनल फेवरेट और आप लोग भी नेक्स्ट टाइम आके घूम के जाना। और अभी हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं घर की ओर और वीडियो को भी क्लोज़ करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यू नो व्हाट टू डू, गिव इट अ थम्स अप, शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर जाना और भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, और क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो भाई वो एनर्जी नहीं मिलता और थोड़ा ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, तो भाई उसी से सब कुछ है, मतलब समझ लो आप। और चलो अभी वीडियो को क्लोज़ करते हैं, आप लोग अच्छे रहना और मिलूँगा एक अच्छे वीडियो के साथ।